कल ही हमने बोल्ट ऑडियो के टेन अनबॉक्स किए थे, काफ़ी अच्छे फोन्स थे, 700 रुपीज़ में काफ़ी बढ़िया वैल्यू डिलीवर कर रहे थे। बट कंपेयरिंग विद W10 मेरे को वो उतनी खास वैल्यू डिलीवर करते हुए नहीं नजर आए। फिलहाल इनका प्राइस 700 रुपीज़ है, बट हमने इसके लिए पे किए हैं 800 रुपीज़, जो मेरे को ज़्यादा लगे, 100 रुपये हमने एक्स्ट्रा ही पे किए हैं। नाउ अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें, ये स्पेशल ऑडियो के साथ आते हैं। यहाँ पे मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी मिल रही है, वो भी 700 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। क्वाड माइक्रोफोन सेटअप, 45 ms लो लेटेंसी, बढ़िया माइक, बढ़िया साउंड, जो एटलीस्ट बोल्ट क्लेम कर रहा है। रियलिटी चेक हम करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए किस टाइप के ये ईयरफोन्स परफॉर्म करते हैं इन रियल टाइम। सो टिपिकल बोल्ट के बॉक्स के साथ ही आपको देखने मिलते हैं, जहाँ पे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग, इनकी फिनिश के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई है, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी। जैसे आप इसको अनबॉक्स करेंगे, 15 मंथ की वारंटी, उसके साथ एक यूजर मैनुअल आपको मिल जाएगा, एक टाइप सी चार्जिंग केबल है, टू पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ए एडेप्टर्स है, जो बेसिकली आपको यहाँ पे एसेसरीज के रूप में मिलते हैं। लेदरेट फिनिश के साथ ईयरफोन्स प्रेजेंट है, जो काफी अलग डिफरेंट टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। आपने रबरी टेक्सचर देखा होगा, उसके अलावा मैट फिनिश, ग्लोसी फिनिश, काफी डिफरेंट टाइप की फिनिशेस ब्रांड यूज करता है, बट ये टोटली अलग है, काफी रफ टेक्सचर यहाँ पे फील होता है। उसके बाद ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, हमें स्क्रेचेस नहीं आएंगे, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है ईयरफोन्स के बारे में। सामने देखेंगे एलईडी इंडिकेटर है, पीछे चार्जिंग पोर्ट है, हिंज का जो फीडबैक है वो ठीक है, लूज नहीं है एंड स्टेबल भी है। उसके अलावा आपके ईयरफोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो भी काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ आते हैं, एंड यहाँ पे सिर्फ मैट फिनिश यूज़ किया, बट डिटेलिंग अच्छे खासे किए। टच सेंसर अलग से हाईलाइट किया हुआ, जिसको फिगर आउट करना बड़ा ही आसान रहेगा, एंड ये एक डिसेंट फिटिंग तो नहीं देते, बट यह चल जाएगा आपका काम, आप डिफरेंट ए टिप्स ट्राई आउट कर सकते हैं फॉर बेटर कम्फर्ट। एंड IP रेटिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें ओवरऑल कनेक्टिविटी की, तो 5.4 ब्लूटूथ वर्जन लेटेस्ट एंड डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी, जो दोनों डिवाइस से बड़े ही आराम से कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने टेस्ट आउट किया एक्चुअल में, क्या ये डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी दे रहे हैं। जी हाँ, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी भी है, स्विफ्ट भी काफी अच्छा यहाँ पे वर्क करता है। सो पॉजिटिव साइन है आप लोग के लिए, बजट में इस टाइप के ईयरफोन्स अवेलेबल हैं अभी के लिए। देन द नेक्स्ट पार्ट इज ऑडियो क्वालिटी, 13 mm ऑडियो ड्राइवर्स, ACSBC कोडेक, स्पेशल ऑडियो, बूम बेस टेक्नोलॉजी, काफी अच्छी अच्छी चीज यहाँ पे इंक्लूड की है। बट अगर मैं बात करूँ नॉर्मल मोड एंड स्पेशल मोड में, तो यहाँ पे आपको माइनर सा डिफरेंस फील होगा। एक्चुअल में अगर कोई बजट के बजाय एक बढ़िया ईयरफोन्स लेते हैं, वहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस फील होता है। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल मोड पे जाते हैं, एक 360 इफेक्ट फील होने वाला है आप लोग को, थिएटर वाला इफेक्ट बेसिकली, बट यहाँ पे वो इफेक्ट उतना बेटर नहीं है। प्राइस एक रीज़न है मेनली, दूसरा रीज़न है इतने बजट में सब कुछ फीचर आपको नहीं मिलते, तो जस्ट फॉर नेम सेक यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, स्पेशल इफेक्ट यूज करेंगे थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा, बट K10 ना लेके ये ईयरफोन्स अगर आप लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 4 times टैप करके राइट ईयरबड पे आप स्पेशल इफेक्ट को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं म्यूजिक आउटपुट की, तो बेस ओवर पावर कर लेता है वोकल्स को, वोकल्स दबे दबे फील होते हैं, एक्चुअल वोकल की क्लैरिटी आपको निखर के आती हुई यहाँ पे नहीं सुनाई देगी, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर दिस प्राइस पॉइंट, जो 700 रुपये आप पे कर रहे हैं, मैंने 800 रुपये पे किए। टच कंट्रोल, सिंगल टैप म्यूजिक प्ले पॉज, डबल टैप नेक्स्ट प्रीवियस म्यूजिक, ट्रिपल टैप वॉल्यूम कंट्रोल, 4 times टैप गेम मोड एंड आपका स्पेशल इफेक्ट, तो इस टाइप से फ्यूचर फंक्शन यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं आप लोग यूजिंग द टच कंट्रोल। उसके बाद 45 ms की लो लेटेंसी भी ये क्लेम कर रहे हैं, जिनको गेमिंग करनी है कैजुअल या इंटरमीडिएट लेवल गेमिंग कर सकती है ऑन पेपर एटलीस्ट, बट अगर आप रियलिटी में चेक करेंगे तो गेमिंग एक्सपीरियंस उतना कुछ खास आपको नजर नहीं आएगा, एंड आप लाइक कैजुअल गेमिंग भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इनके साथ एंजॉय करना। मैं कैजुअल गेमिंग ही करता हूँ, बट स्टिल यार मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा इनके साथ गेम खेलना। लेटेंसी उतना बेकार नहीं थी, बट सेपरेशन क्लियर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से BGMI CUD टाइप के गेम आप नहीं खेल पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज माइक्रोफोन क्वालिटी, क्वाड माइक्रोफोन सेटअप अवेलेबल है, एंड यार इस बजट में इतने सारे चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको काफ़ी कंप्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, राइट? बट क्या माइक्रोफोन को लेकर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये हैं कुछ रिजल्ट्स, चेक कीजिए एक बार। बोल्ट ऑडियो W10 के माइक्रोफोन की क्वालिटी कुछ इस टाइप आपको नजर आएगी, अगर आप उसको आउटडोर कंडीशन में यूज करते हैं, एंड जहाँ पे नॉइस ज्यादा है, कंसिडरेबल है, एंड 70-80 dB नॉइस यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं आप लोग। मैं दोनों ईयरफोन यूज कर रहा हूँ, ये की कंबाइन ऑफ क्वाड माइक्रोफोन है, एंड ये है इसकी परफॉर्मेंस आउटडोर कंडीशन में जब आप इसको टेस्ट करेंगे। कॉलिंग रिजल्ट आपने चेक कर लिया, सैंपल देख लिया, किस टाइप की क्वालिटी एंड रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ बात करते हैं बैटरी बैकअप को लेके। दीज ईयरफोन्स है 55 hours ऑफ बैटरी लाइफ, विच इज कंसिडरेबल गुड फॉर द प्राइस कैटेगरी, एंड आप इंडिविजुअल ईयरफोन से 3 to 6 hours के बीच में बैटरी बैकअप क्लेम कर सकते हैं आप। वो डिपेंड कर रहा है आपके परफॉर्मेंस पे, आपके यूजेज टाइप पे, किस टाइप से आप ईयरफोन्स को यूज करते हैं। ज़्यादा टॉक टाइम ये नहीं दे पाएंगे, अगर आप ज़्यादा कॉलिंग भी यूज करते हैं तो मे भी 2 घंटे के अंदर ही आपके
ये फोन्स की बैटरी 0% भी देखने के लिए मिली। ओके सो चार्जिंग स्पीड कुल मिला के ठीक है, एक घंटे में ये फोन्स आपके 0 to 100% चार्ज हो जाते हैं। अब सवाल आता है क्या ये ए फोन्स लेने चाहिए अंडर 800 रुपीज़, अंडर 700 रुपीज़ या नहीं। तो गाइस अगर मैं बात करूँ ये फोन्स की, तो ये बजट में आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी एंड काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं जो शायद ही कोई दूसरा ब्रांड आपको ऑफर करे इस प्राइस ब्रैकेट पे। सो मेरे को कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लगा कि आपको ये छोड़ने चाहिए। साउंड वगैरह को लेके आपको इस बजट में TWS यार कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एंड अनटिल एंड अनलेस आप बोट की ओर शिफ्ट नहीं करते जहाँ पे लेस फीचर मिलेंगे, वो चीज़ आप देख सकते हैं आपको फीचर चाहिए या साउंड चाहिए आप डिसाइड कर लेना। एंड बेस्ट ये फोन्स ऑडियो देख रहे हैं तो वो भी हम आप लोगों के लिए जल्दी लेके आएंगे। तो हमारी वीडियो होती है यहाँ पे खत्म, एंड आप बताइए वीडियो कैसी लगी, कोई सवाल है क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अनटिल एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।